नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक फूल तोड़ने के कारण नौकरानी बनने का शाप दे दिया। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और फिर उन्होंने मन ही मन पृथ्वी लोक के भ्रमण का निश्चय किया। वैसे तो कई साल हो गए थे उन्हें धरती लोक पर आए हुए, इसलिए वो अपनी तैयारी में लग गए। उधर भगवान विष्णु को तैयारी करता देख माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण पर जा रहा हूं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? फिर भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, हे देवी, आप मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए तो चल सकती हैं, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, मैं आपके साथ धरती लोक पर चलने के लिए कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, आप शर्त तो बताइए। तब विष्णु जी ने कहा, प्रिय, मेरी शर्त के अनुसार आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त की स्वीकृति दे दी और फिर दोनों धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गए। सुबह सुबह जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर पहुंचे, उस समय सूर्य निकल ही रहा था। रात को बरसात हुई थी, इसलिए धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहावना था। बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और इधर उधर देखने लगीं। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी ये भूल गईं कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन देकर धरती लोक पर आई हैं। इसी क्रम में माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे से भीनी भीनी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही थी। इसके अलावा उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल भी खिले हुए थे। उसके बाद माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे उस फूलों से भरे बगीचे में चली गईं और फिर उस बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचीं। परंतु भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी के हाथों में उस सुंदर सा फूल देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती, बल्कि इस भूल के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस माली के खेत से उससे बिना पूछे इस फूल को तोड़ा है वह चोरी जैसे पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हे देवी, आपको इस भूल की सजा के रूप में उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा और 3 साल पूर्ण होने के बाद मैं आपको बैकुंठ धाम वापस बुला लूंगा। यह सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा दी गई ये सजा मंजूर है और मैं आपके आदेशानुसार उस माली के यहाँ एक नौकरानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। इसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को वापस लौट गए। उधर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम वापस लौटने के पश्चात माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर पहुंची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि उस माली के पास घर के नाम पर एकमात्र टूटी सी झोपड़ी थी और उस माली का नाम था माधव। माधव उस टूटी हुई झोपड़ी में अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वे सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। फिर माता लक्ष्मी जब एक गरीब कन्या के रूप में झोपड़ी के आंगन में पहुंची तो माधव ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो? तब कन्या रूपी माता लक्ष्मी ने माधव से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूं और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है और मैं कई दिनों से भूखी भी हूं। कृपया आप मुझे अपने यहां कोई काम दे दो, मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूंगी। कृपया कर आप मुझे अपने यहां रख लो,
माधव बहुत ही भला इंसान था। उसे उस लड़की की बातें सुनकर दया आ गई। फिर माधव ने कन्या रूपी माता लक्ष्मी से कहा, बेटी मैं तो एक गरीब माली हूं, अपनी कमाई से बड़ी ही मुश्किल से मैं अपने घर का खर्च चला पाता हूं, परंतु अगर मेरी तीन की जगह चार बेटियां होती तो भी मुझे इस कमाई में किसी तरह गुजारा करना पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। जैसा हम लोग रूखा सूखा खाकर रहते हैं, अगर तुम वो खाकर यहां खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी वहां रहने को तैयार हो गई। उसके बाद माधव कन्या रूपी माता लक्ष्मी को झोपड़ी के अंदर ले गया और अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया और बोला, आज से ये कन्या मेरी बेटी बनकर इस झोपड़ी में हम लोगों के साथ रहेगी। यह सुन माधव के परिवार वाले खुश हो गए। उधर माँ लक्ष्मी के आने के बाद दूसरे दिन माधव की इतनी कमाई हुई कि उसने शाम तक एक गाय भी खरीद ली। इसी तरह दिनों दिन माधव की आमदनी बढ़ने लगी। इसके बाद माधव हमेशा ये सोचने लगा कि हो ना हो ये लड़की अवश्य ही कोई देवी है, जिसके आने के बाद ही मुझे ये सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। इसी तरह 3 साल बीत गए और जब अगले दिन माधव खेतों से काम करके अपने घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला को देखा। फिर उसने जब नजदीक आकर उस महिला को देखा तो वह जान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। और फिर उसे यह समझते देर न लगी कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। फिर उसने अपने पूरे परिवार को बाहर आने को कहा। बाहर आकर उसके परिवार वाले माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद माधव ने हाथ जोड़ते हुए माता लक्ष्मी से कहा, माँ मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो, मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर के काम करवाए, इस अपराध के लिए हम सभी को माफ कर दो माँ। माधव के मुख से ऐसी बातें सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, माधव तुम बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे इतने दिनों तक अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पास कभी भी धन और खुशियों की कमी नहीं होगी, तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ धाम वापस चली गईं। तो दर्शकों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हमें दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।